Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. मेरे पास जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं उन दोनों से मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब को इनफॉर्मल शो कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कैमरे ऑन होते हैं तो उस वक्त सारे जो है ना बिल्कुल ऐसे एकदम स्टिफ नेक हो जाते फेस हो जाते हैं और यहाँ पे एक नया कहानी शुरू हो जाती है और कैमरे ऑन होने से पहले एक मुख्तलिफ स्टोरी होती है. सो मैं चाहूँगा ये कि जो गुफ्तगू हम शो शुरू होने से पहले कर रहे थे उसी तरह कर दे, उसमें से कुछ चीज़ें हम हदफ कर देते हैं, बाकी क्योंकि वो हम ऑन एयर शायद ना कर सकें, लेकिन उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं हम उसी तरह से इनफॉर्मल तरीके से डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. मैं इंट्रो कोई नहीं देना चाहता, पहले मेरे पैनल जो है उसको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आपसे. सेनेटर मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं एंड मैं इस चीज़ को अपना ऑनर समझता हूं कि आई हैड लाइक वेरी वेरी क्लोज रिलेशंस इनकी वालदा के साथ, बड़ा एहतराम का रिश्ता और बहुत एक लगाव था मेरा उनके साथ और उनको भी था मेरे साथ एक लगाव एंड वी लाइक समथिंग लाइक 20 ईयर्स थी. मुर्तजा के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी और बड़ा एक कंफर्ट लेवल है मेरा इनके साथ और बहुत इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता भी है इनके साथ भी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और पहली मरतबा आए मेरे पास. इससे पहले बहुत से टीवी चैनल फिर चुके हैं ये और मेरे पास आते हुए कतरा रहे थे और आज भी बहुत देर से पहुंचे, पता नहीं क्यों देर लगाई इन्होंने, मुझे नहीं पता. मैं पूछा बहुत जोर बहुत दिया लेकिन कहते हैं मैं सेनेट के सेशन में था. अब खैर वो मुझे पता करना पड़ेगा कि सेनेट का सेशन उस वक्त चल रहा था कि नहीं चल रहा था. एनीवेज कामरान टिसोरी साहब, मैं इनसे भी बड़ा एक लगाव है जी और कामरान साहब के साथ एक सफ़र किया मैंने और सफ़र में रमज़ान का वक्त था और रमज़ान में इफ्तार हो गया दौरान सफ़र. मैंने इनको कुछ जो भी मेरे पास मौजूद थी चीज़ें मैंने इनको दी इफ्तार के लिए, वो आज तक मेरे गले पड़ी हुई हैं और वो जनाब इसलिए गले पड़ी हुई हैं कि मैंने इनको बोला कि जनाब कुछ खजूरें खा लें, तो खजूरें तो इन्होंने खा लीं लेकिन उसके बाद आज तक ये मुझे कहते हैं जनाब कि आपने बहुत ज़्यादा खजूरें खिलवा दी. एनीवेज़ उसकी सेहत काफ़ी अच्छी है क्योंकि उसके बाद काफ़ी मरतबा ही टीवी पे नज़र आते हैं और आपने देखा होगा कि जो अटायर है इनका, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ कि ये डॉन ज़रूर लगते हैं, डॉन है नहीं है लगते ज़रूर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जी कामरान साहब और आप तशरीफ़ लाए. मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैं इनफॉर्मल नहीं कर सकता आप लोगों को और अगर अभी भी आप लोग इनफॉर्मल नहीं होते तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है आप दोनों को. कैसे हैं आप दोनों? जितनी इजाजत देंगे उतना हो जाएंगे. नहीं इजाजत इससे ज्यादा और क्या दूं आपको, सारे किस्से बयान कर दिए और क्या बोलूं. नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. वो आपकी अजवा खजूरें जो है वो मैं वाकई अभी तक नहीं भूला. हाँ. और वो आपने तकरीबन पूरा डब्बा ही जहाज लैंडिंग खत्म कर दिया. अच्छा चले, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने एक लंबी कहानी बनाई हुई है, उसकी एक स्टोरी कुक्ड स्टोरी है. डॉक्टर ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो मैं आपको कहानी को बताऊं. अच्छा एक और साहब है मेरे साथ, मेरी बड़ी अच्छी इनसे दोस्ती है इमरान इस्माइल साहब से और मैं इनकी पार्टीज का सबका आपने देखा होगा नोट किया होगा, मैं नाम नहीं ले रहा पार्टीज का. और इमरान इस्माइल साहब भी मेरे साथ मौजूद है, इमरान इस्माइल साहब से भी मेरा बड़ा कम्फर्ट लेवल है और वो भी मेरे साथ मौजूद हैं और अक्सर औकात मुझे मशवरे भी देते रहते हैं और कभी मशवरे दुरुस्त दे देते हैं कभी गड़बड़ कर देते हैं लेकिन देते ज़रूर हैं मशवरे और बड़ा अच्छा ख्याल भी रखते हैं मेरा जब भी मैं कभी इनसे मिलने जाऊं. इमरान साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम. मेरे ख्याल में खान साहब के पास बहुत देर लगी आपको. जी खान साहब साथ ही हैं, सब हम लोग बैठे. खान साहब साथ ही हैं. अच्छा खान साहब क्या कर रहे हैं आजकल कराची में अदर देन ग्रिलिंग पीपल्स पार्टी? फोकस किया हुआ खान साहब ने. आपको तो मालूम है जैसे पंजाब के अंदर जो मामला थे वही मामला सिंध में भी है. हाँ. वो जरा ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और ये जरा हाईलाइट कम हुए लेकिन मामला वही है. यहाँ पे भी माफिया हुकूमत है, यहाँ पे भी डॉन कार्लियानी जो है वो ऑपरेशन स्टाइल है.
तो इसको करेक्ट करने निकले। अच्छा, क्या थोड़ी देर नहीं होगी करेक्शन करते करते, क्योंकि इलेक्शन जब हुए थे उस वक्त तो 8.5 लाख वोट मिला था आपको कराची से, कराची वालों ने बड़ा दिल खोल के आपको वोट दिया, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में याद नहीं रही, याद आई नहीं कराची। सर याद बिल्कुल है, याद वो आते हैं जिनको भूल जाते हैं, तो ये तो कराची वाले तो हमारे दिल से नहीं निकलते, उनको भूलेंगे जाएंगे। वैसे इमरान साहब ये पुराना डायलॉग हो गया है, ये वैसे खवातीन के लिए अक्सर कहा जाता है। वैसे मूवी याद नहीं है लेकिन बड़ा पुराना डायलॉग है, गड़बड़ होगी यहाँ पे थोड़ी सी है, बहुत देर कर दी वैसे मेहरबान आते आते। देर नहीं की, देखें 2013 में जो कराची ने रिस्पॉन्ड किया था वो मेरा ख्याल है कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इतना जबरदस्त कराची से रिस्पॉन्ड, इसीलिए आपने कराची वाले को डिच कर दिया। सुने ना, तो आपको बीच में बोलने की बहुत आदत है, सुना है आप, तो वो जो रिस्पांस कराची से मिला था उसके बाद 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा खान साहब का एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गए थे और वो साल एक वो ट्रेवल नहीं कर पाए, तो वो साल वो कराची नहीं आ पाए, उसके बाद से मुसलसल इज कमिंग टू कराची। लेकिन अब उन्होंने पूरा कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध के ऊपर फोकस बढ़ा दिया, अभी सेवन का जलसा करके फॉर 3 डेज, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए उनको, कल का एक दिन और बाकी है, तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट, कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीच आउट कराची आइस, वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू बिजनेस सर्कल, हम कोशिश करें कि अपने वर्कर्स तक रसाई हो, खान साहब से मुलाकात हो, जगह जगह जाएं। तो अभी मैं 3 दिन के बाद हमारा एक वर्कर कन्वेंशन है जो मेरे हल्के में है, तो वहाँ पे उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको रिस्पॉन्स आपकी जो भी आप कलेक्ट वर्क कर रहे हैं, इसका रिस्पांस जो है आपको या इसका जवाब जो है मुर्तजा दें आपको, लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द उर्दू स्पीकिंग पीपल एंड द सिंधीज एंड जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं स्पेशली इन कराची, दे आर गोइंग टू बाय व्हाट इज सेइंग, व्हाट एवर खान साहब इज सेइंग नाउ? आपके सवाल में से ही समझ नहीं पाया, आप कह रहे हैं कि जो उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग पार्टी चले ऐसे, लेट मी रीफ्रेज इट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने कराची के लोग हैं, सिर्फ कराची की बात करो, पूरे सिंध की बात नहीं कर रहा इस वक्त, की बात करूंगा कि कराची आइट्स जो है, वट एवर इमरान खान साहब इज सेइंग राइट नाउ और जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं टू द कराची आइट्स, आर द पीपल गोइंग टू बाय वट एवर इमरान खान साहब इज सेइंग और नो जी? क्योंकि डू यू थिंक इट्स टू लेट? एक्चुअली मैं देखना है कि व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट इज सेलिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान या पीपल ऑफ कराची, फियर फोकस ऑन कराची। ओके, देखें कराची, कराची को ओन कोई नहीं करता, बड़ा बैठला के कराची का कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत रहने के बावजूद, मुसलसल हुकूमत रहने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने कराची की तरफ मुड़ के नहीं देखा, अलावा दूध देने वाली गाय समझ के, ये मुर्तजा बाहब भी मेरा दोस्त है और मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इनकी पार्टी में वो कदर इन्होंने किया है पूरे सिंध में और खासतौर से कराची को, तो इन्होंने बिल्कुल रगड़ा चढ़ाया कि ना इन्होंने सड़कें कराची की बनाई, ना इन्होंने कचरा उठाया, हम कराची के सिस्टम और उसके लिए लड़े थे कि जी यहाँ पे ट्राम चलेंगे, मालगाड़ी सिस्टम होगा और कराची में हाई स्पीड ट्रैक्स बनेंगे, रेल रोड होंगे और फलाना होगा, वो सारा तो हम भूल ही गए, हम तो इस पर आगे कि यार कम से कम खुदा के वास्ते क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे दो जिसके अंदर सीवरेज का पानी ना मिला हो, हमें क्लीन एनवायरनमेंट दे दो जहाँ कचरा ना पड़ा हो, और ये तो अल्लाह ने मेहरबानी की, कोई रहम आया हमारी पाकिस्तान की रेंजर्स को और आर्मी को कि उन्होंने जो यहाँ पे कराची में जो बोरा बोरी पर लाशें और जो कुत्ते वाला काम था वो खत्म कराया, तो कुछ अमन आया, सांस लेने की जगह मिली, कचरा अब हम अपना खुद ही उठाएंगे, बिकॉज दे डोंट केयर। वैसे कचरा देखे, जहाँ तक आपकी बात है ना इमरान साहब के, रेंजर्स ने और जो काम किया वहाँ पे, द पीस इज बैक, स्ट्रीट क्राइम कम है, पीस है, लोगों को देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ थी इन कराची जी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रेंजर्स, नो डाउट ओवर दैट। तो कचरे की बात आती है तो कचरे पे तो एमक्यूएम भी खेलता रहा, पीपल्स पार्टी भी खेलती रही, आप भी खेलना शुरू हो गए, लेकिन कचरा तो आज तक खत्म हुआ नहीं, वैसे ये तो सारी कहानियां ही है। वैसे मुर्तजा साहब व्हाट डू यू से? काफी सारी बातें इमरान साहब ने की हैं, सबका जवाब देता हूं प्लीज। पहले तो जो खान साहब इस वक्त सिंध में कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें करने की, देखिए 2013 का जो इलेक्शन था उसमें खान साहब एक वन इलेक्शन वंडर थे, कराची से 8.5 लाख वोट मिले, लेकिन आपने देखा कि उसके बाद खान साहब का जो इंटरेस्ट था ना कराची रहा ना सूबा सिंध रहा, उन्होंने फोकस कर लिया अपना कुछ चीज़ों पे,
और सिवाय इल्ज़ामात लगाने के, बोहतान तराशी के, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूँ, नतीजा ये हुआ कि जो सदर थे वो खुद पीटीआई छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ नादिर अकमल लगारी साहब की। इनकी बड़ी एक वोकल सपोर्टर थी जो बहुत टीवी पे आके खान साहब को डिफेंड करती थी कराची से। कराची में इलेक्शन भी लड़ा था उन्होंने, नाज बलोच साहिबा, वो पीटीआई छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गई। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि इनको जो पजीराई 2013 में मिली थी वो वहाँ नहीं है। सिंध की आवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, जिसकी वजह से अब इनको लियाकत जतोई के थ्रू, यार मोहम्मद रिंद के थ्रू ये इनकलाब लाने की या तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की बात कर लें, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2015 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ राणा साहब, उस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई प्रॉपरली नहीं मिली, कहीं एक जगह पे वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सके। आप आ जाएं 2017 के अंदर, अभी रिसेंटली एक बाई इलेक्शन हुआ कराची के अंदर, जहाँ से कामरान टिसोरी साहब ने भी कंटेस्ट किया, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट सईद गनी साहब कामयाब हुए। नंबर टू पोजीशन जो है एमकेएम के कामरान टिसोरी साहब ने हासिल की। तीसरी पोजीशन जो थी वो नून लीग के कैंडिडेट थे। चौथी पोजीशन पे थे तहरीक इंसाफ के, 5,000 मेरे ख्याल में गालिबन उन्होंने वोट लिए, जो इस बात की अगेन अक्कासी करते हैं। और अगेन ये जो सीट है, इमरान इस्माइल साहब भी कराची के रहने वाले, उनको पता है सेंटर ऑफ कराची की सीट है, कराची का दिल है वो सीट, उस सीट से भी कराची की आवाम ने उनको रिजेक्ट किया। तो ये तमाम चीज़ें को अगर आप समराइज करें तो उसकी एक ही समरी निकलती है कि जो शऊर आवाम है वो रिजेक्ट करती है इनको। वो उनकी जो बातें हैं, जिस तरह की वो एट टाइम्स इतनी ग्रीवी बेहुदा बातें कर जाते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी 7 का जलसा आप देख लें, सिर्फ मैं समझता हूँ वो जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड की अगर आप तस्वीर देख लें, जो प्रिपरेशन थी वो 8-10 हज़ार लोगों की थी, उसको भी ये भर नहीं पाए। सिंध की आवाम के अंदर इनका कोई एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है, इसीलिए बलूचिस्तान से ये यार मोहम्मद रिंद को बुलाते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाते हैं घोटकी से और थरपारकर से, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इनको 5-6 हज़ार 8 हज़ार लोग नज़र आते हैं। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो, इश्यूज़ की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सिंध में नज़र नहीं आती। आप देखिएगा कि केपीके के अंदर भी जिनको पजीराई मिली थी, जैसा मैंने कहा कि वन इलेक्शन वंडर थे, वो 2018 में नहीं होगी। ये कोई बाई इलेक्शन अपना केपीके के अंदर भी जीत नहीं, पर पंजाब के अंदर भी आप देखेंगे पीपल आर फेड अप, बिकॉज पाकिस्तान की आवाम जो है वो इश्यूज पर फोकस करना चाहती है। हाउ कैन यू से दैट पंजाब में पीपल आर फेड अप ऑफ पीटीआई? मैं बताता हूं आपको, देखें एक तो इलेक्शंस बैरोमीटर होता है चीजों को चेक करने का, बाय इलेक्शंस, जिस तरीके से बाय इलेक्शन तो हमेशा गवर्नमेंट के होते हैं, बाय इलेक्शंस तो कभी देखें पार्टी गवर्नमेंट में होती है उसके होते हैं बाय इलेक्शंस। नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूं, मुजफ्फरगढ़ से गुलाम रब्बानी खर साहब जीता था ना, वन ऑड इंसिडेंट। नहीं, क्यों, केपीके के अंदर इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमपी का इलेक्शन जीती, केपीके के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, बिलोर साहब ने इमरान खान साहब की अपनी सीट पे उनको हराया पीटीआई के कैंडिडेट को। बात ये देखें, पाकिस्तान की जो आवाम है वो इश्यूज पर फोकस करना चाहती है, वो चाहती है सोल्यूशन दो। इमरान खान साहब या पीटीआई जो है वो हमेशा कहती है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सोल्यूशन कोई नहीं है। किस तरीके से चीज़ों को ठीक करेंगे, कोई सलूशन नहीं। आप केपीके का हाल देखें जाके, बिलावल साहब ने भी अपने पेशावर के जलसे में इशू रेस किया कि जी आप कहते हैं आपने गवर्नमेंट स्कूल्स को इतना इम्प्रूव कर दिया, कोई आप मुझे 100 बच्चों की लिस्ट दे दीजिए जो कि प्राइवेट स्कूल छोड़ के आपकी गवर्नमेंट। देखिए बात बड़ी सिंपल है, इन्होंने इस कौम को फिक्शन की तरफ ले गए और फिक्शन की तरफ ले जा रहे हैं बार बार, बट कौम के हथकंडों को समझ चुकी है। आप देखिएगा कि 2018 के अंदर तब्दीली खुद तब्दील हो चुकी होगी और इनको कौम रिजेक्ट करेगी, एंड यू विल सी कि 2018 पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उसके लिए आपको एक फेडरेशन की कुव्वत चाहिए होगी, एक फेडरेशन की पार्टी चाहिए होगी जो कि चारों फेडरेटिंग यूनिट्स को, गिलगित बल्तिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को साथ लेके चले, एंड यू विल सी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यानी कि पाकिस्तान खपे। एब्सोल्युटली, और आप देखिएगा। अच्छा, तो सोरी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये देखिए मैं पार्टीज के अंदर जो इस वक्त चल रहा है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त आपका आप जिस शो में भी जा रहे हैं कामरान साहब, वहाँ पे आपसे यही सवालात हो रहे हैं, मैं उस तरफ इस वक्त नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि वोट मिला इलेक्शन में पीटीआई को कराची में, और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया पीटीआई को कराची में, लेकिन उसके बाद वहाँ पे फॉर व्हाटएवर रीज़न
वो कनेक्टिविटी नहीं पार्टी वाले लोगों के साथ, मासेस के साथ। नाउ वो जो वैक्यूम था उसको उसको आप लोगों ने अपने हाथ में पकड़े रखा, यानी कि एमक्यूएम ने अपने हाथ में पकड़े रखा, क्योंकि एमक्यूएम जो है वो उसके जो लीडर हैं अल्ताफ हुसैन जो थे, अभी भी कहूँगा हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स देने में। लेकिन फिर भी अगर पीटीआई वहाँ पे अपने पक्के पैरों पे रहती और वहाँ पे जिस तरीके से प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी एमक्यूएम के अंदर, तो वो वैक्यूम उसको जो क्रिएट हुआ, जिसको एमक्यूएम आज भी वोट बैंक अपना बनाए बैठी हुई है, वो सिचुएशन डिफरेंट होती और पीटीआई उस वैक्यूम को कवर कर सकती थी, पीटीआई वहाँ पे खड़ी रह सकती थी, पीटीआई वहाँ पे एक चेंज ला सकती थी और बिल्कुल खड़े होकर फेस टू फेस, आई टू आई वो पीपल्स पार्टी के साथ चल सकती थी। आप लोग जो है, आप लोगों के कभी ना कभी बल्कि अक्सर औकात कोई ना खड़े रहते हैं, कभी आप कहते हैं जी हम लंदन के साथ नहीं है, लंदन लंदन जो है हमारा हमारा कोई रابطہ नहीं है, देन अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं जनाब के, बिल्कुल हैं रابطے और आप लोग अल्ताफ हुसैन के साथ अभी भी आपका है कॉन्टेक्ट्स हैं आप लोगों के, बट मैं उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आप हैं कहाँ पे, खड़े कहाँ पे कल को, मतलब इतनी बड़ी ये जो लोग कहते हैं ना जी कि एस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बना दिया और एस्टेब्लिशमेंट बेवकूफ़ बनी हुई है कि आप लोगों का रابطہ है और एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता, आई डोंट बाय दैट थिंग। मुझे वो, मैं उस चीज़ को नहीं मानता, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को हर चीज़ का पता होता है, लेकिन आप लोग कहाँ पे खड़ा होना चाहते हैं, कहाँ पे रहना चाहते हैं, पीएसपी के साथ मिलना चाहते हैं, लंदन के साथ मिलना चाहते हैं, या इसी तरह चलना चाहते हैं, या अपनी पार्टी को तीन चार हिस्सों में बांटना चाहते हैं जी? देखें, मेरे दोनों भाई आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं और दोनों ने बात की, पहले इमरान इस्माइल साहब ने बात की और फिर मुर्तजा वहाब साहब ने बात की। दोनों की बात से मैं 100% एग्री करता हूं जो दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा। बिल्कुल 200% ऐसा ही है जो पीटीआई ने किया और जो पीपल्स पार्टी का, इसीलिए हम कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जिसको लोग देख रहे हैं, इन दोनों बड़ी जमातों को आजमा रहे हैं और देखने के बाद मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए। अब मैं कुछ नहीं कह रहा, इधर मुर्तजा हंस रहे हैं यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं, मैंने आपको नहीं टोका। मैं जब मैं ये बात कर रहे थे ना, मैं रोया ना मैं हंसा, मैं सिर्फ सुन रहा था हौसले से। तो मैं समझता हूँ मुर्तजा भाई भी मेरी बात हौसले से सुने, इंटरप्ट नहीं कर रहे, हंस रहे। अच्छा ठीक है, वो उस पर भी बात कर लेंगे। बात यह है कि देखें, मुत्तहिदा पाकिस्तान 23 अगस्त से पहले और 23 के बाद, इस दोनों चीजों के अंदर बड़ी देखने और समझने और सोचने की बात है। आपने जैसे कायद बानी का जिक्र बार बार किया अपने सवाल में, तो मैं सिर्फ उनके लिए वन लाइनर में एक बात कहूंगा कि जब 23 अगस्त के बाद हमने अपनी कायद और बानी से अलहदगी इख्तियार की और पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े रहने का अजम कर लिया, तो क्या वो हमसे किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं कराया था ना? अगर हम चाहते हैं कि 3 तारीख को, 3 मार्च को जब पीएसपी बनी थी, उस वक्त तो हम उनके साथ जाके नहीं खड़े हो गए थे ना? हमने उन, लेकिन आपने अगर गन पॉइंट पे नहीं ये किया काम, तो आपने मजबूरन किया ना पार्टी, ताकि सेव रहे, बच जाए। मजबूरन नहीं किया, मैं वही बताना चाहता हूँ, किया सिर्फ एक बात के ऊपर फारूक सत्तार साहब ने, और वो ये थी जिंदाबाद के साथ खड़े, एक बात उसका जवाब ये हो गया। बात यह है कि उसके बाद मुत्तहिदा पाकिस्तान अपने मराहिल से गुजर रही है, अभी 1 साल का अरसा हुआ है, इतना कोई बड़ा तवील अरसा नहीं हुआ। पार्टी अपने आप को अपने इंटरनल इश्यूज के साथ भी और एक्सटर्नल इश्यूज के साथ भी आगे की तरफ बढ़ रही है और पार्टी में अच्छे लोगों की शमूलियत भी हो रही है। कौन से लोग कराची के, सर बता दीजिए कौन से लोग शामिल हुए? देखिए, अभी हमने पिछले संडे को ही एक बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा नाम है वो शामिल हुए, एक फैशन डिजाइनर है दीपक परवानी वो शामिल हुए, फेडरेशन चैंबर ऑफ कॉमर्स की चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी की वो शामिल हुई, मेमन कम्युनिटी, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, एक रिटायर्ड बैरोक्रेट जावेद हनीफ साहब जो वाइस ग्रेड के ऑफिसर रिटायर हुए, उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है ना? कमरान साहब, कोई बड़ा नाम जो बड़ा पॉलिटिकल फिगर हो को उसका नाम बता सकते हैं आप? देखिए, मैं खुद फंक्शनल लीग में था, पी साहब अगाड़ा के साथ था,
एमकेएम पाकिस्तान को ज्वाइन किया। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी ज्वाइन करना और पार्टी के साथ खड़े रहना, आपके अलावा पूछ रहा हूँ कामरान साहब, मैं अपने आप को तो बड़ा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान वाहिद जमात है जो आवाम के अंदर खड़ी नजर आती है। ओके फाइन, बट माय क्वेश्चन इज डिफरेंट कामरान साहब, माय क्वेश्चन इज, देखिए अब आपके जब दोनों साथियों ने बात, नहीं मैं आपको साथ साथ मैं आपको रोक नहीं रहा, आप जो बात कह रहे हैं उसका साथ साथ मुझे जवाब भी दे दीजिए ना। आपने मुझे कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हुए एमकेएम में, मैं ये कहता हूं कि पार्टी में लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, हमसे कॉन्टेक्ट में है और आइंदा आने वाले दिनों में आप बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हम इस बात पर आ जाते हैं कि देखें PS-114 की मिसाल मेरे भाई मुर्तजा वहाब ने दी, ये बात बिल्कुल सही है और आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया कि बाई इलेक्शन जो है वो हुकूमत है, हमने भी इस बात पे निसार कर लिया कि हुकूमत वक्त का था बाई इलेक्शन, लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट ने 23,000 वोट दिए और मैंने 18,160 वोट दिए, तो ये दोनों चीजों की अक्कासी करता है कि माइनस लंदन हुकूमत वक्त के साथ रहते हुए और इमरान खान साहब खुद इस हलके में आके कैंपेन करते रहे, इमरान इस्माइल भाई करते रहे और भी इनके सारे सीनियर लीडरशिप आई, लावल साहब भी आए, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ने अगर 160 वोट लिया तो ये जैसे मुर्तजा वहाब भाई ने कहा कि वो सीट कराची का दिल है और वहाँ हर किस्म की कौमियतें और लोगों के लोग रहते हैं। लेट्स कम बैक टू दैट थिंग, दी टू द पॉइंट पे आए जरा कामरान साहब, मैं सिर्फ ये पॉइंट देखे, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे दो तीन चीजें पूछने थे फिर आप जरूर जवाब दीजिएगा। एमकेएम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आईन जो है वो क्या कहता है, कितने लोगों ने आईन पढ़ा हुआ है एमकेएम का, आपने पढ़ा हुआ है, किस सिलसिले में क्या कहता है? मैं जो क़यादत है, जो लीडर है अल्ताफ हुसैन में, एमकेएम का अपना आईन जो है वो क्या कहता है, उनके उस आईन में से उनका नाम निकाल दिया गया है? नहीं, आप निकाल सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो इख्तियार है। राबता कमेटी ने बैठकर मुत्तफिका तौर पर उनके उस नाम को निकाला, एमकेएम पाकिस्तान लोगों में रहकर आवाम में रहकर उनके बुनियादी मसाइल को हल कर रही है और यही वजह थी कि हमने तमाम तर मुश्किलात और वसाइल ना होने के बावजूद PS-114 में 18,000 वोट दिए। ये वोटर्स ने अच्छा हमें बताया कि हम समझते हैं। अच्छा चले, वो उसमें PS-114 पे आते हैं, दोबारा आते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पूछ रहा था मुर्तजा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन जो है वो कहता है, जो भी कहता है आपको पता है उसके बारे में, इनके लीडर के बारे में, कायद के बारे में, आइन के बारे में, वो आइन को ये इनकी राबता कमेटी खुद चेंज कर सकती है? वो देखिए आइन पढ़ना पड़ेगा, मैं खुद चूंकि इस पार्टी का रुकन नहीं हूँ तो मेरे पास कई अरकान ने पढ़ा तक नहीं है वो आइन, सेफ में होता है जी, प्रॉब्ली यही होगा कि किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन फेस सेविंग के लिए एक चीज कर ली गई। लेकिन राणा साहब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2013 का जो इलेक्शन था वो फारूक सत्तार साहब की क़यादत में नहीं लड़ा गया, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने नहीं लड़ा, उस पर जो वोट पड़ा वो पतंग पे पड़ा और अल्ताफ हुसैन साहब की वजह से वो वोट पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि वोट बैंक जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब का है। ये 22 अगस्त का इंसिडेंट हो गया और इन्होंने क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया, इन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद दो इलेक्शन कराची के अंदर हुए हैं, एक इलेक्शन हुआ है PS-127 का और एक इलेक्शन हुआ है ये 114 का। इन जिसके अंदर कराची की आवाम ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे उनको रिजेक्ट किया और उन दोनों बाई इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ। तो बात जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ वो ये है कि कराची की जो आवाम थी वो फेडअप थी दहशतगर्दी से, वो फेडअप थी भत्ते से, वो फेडअप थी इस तासुब से, उसने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के बाद वो मेन स्ट्रीम की तरफ देख रही है, उसने इंतखाब किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो कि उनके हकूक की तहफ़ करेगी और उनके हकूक को इन्फोर्स करते हुए उनके हल तलाश करेगी। कि बहुत सियासत हो गई कराची में पिछले 30-35 साल में, जहाँ पे आप लोगों को तफरीक डालते रहे जबान की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर, अब कराची की आवाम ये नहीं चाहती। कराची की आवाम चाहती है कि जी हमारे जो मसाइल हैं इन मसाइल का हल होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि बोलने वाला है कौन सिंधी बोलने वाला है, हम सब के सब सिंध में रहने वाले हैं और पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम की तरफ आएँ और जब भी आप देखें कि एक
फ्रेश एयर कराची के अंदर नजर आती है, जहां पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 2 DMCs के अंदर हुकूमत उसने बनाई हुई है। आप उन दोनों DMCs के अंदर देखें किस तरीके से काम हो रहा है। जो कचरे की बात बार बात की जाती है, आप DMC South आके देखिए, वहां पे अपने कैमरे को प्लीज भेजें कि वहां पे कचरा उठाया जा रहा है या नहीं हो रहा, वहां पे सड़कों की प्रॉपर तामीर हो रही है या नहीं हो रही। पिछले 2 सालों के अंदर मैं सिर्फ आपको मिसाल दे दूं कि पिछले साल कराची के अंदर 12 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए गए, इस साल 13 अरब रुपए का अमाउंट डाला गया है। ये सारा अमाउंट जो है मैं आपको सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ कि शारे फैसल की तामीर हुई, शहीद मिलत रोड के ऊपर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं इस वक्त, सिग्नल फ्रीज को किया जा रहा है, तारिक रोड बन चुकी है, पूरी यूनिवर्सिटी रोड ऑल द वे टू मौसमियात, नॉर्दर्न बाईपास, सादिकान अंडर पास, आप आ जाए राशि। इलेक्शंस करीब आ रहे हैं इसलिए आप लोग इतना काम कर रहे हैं? नहीं, नॉट थोड़ा सा इमरान इस्माइल साहब को पकड़ लूं, क्योंकि बार बार जाते हैं इमरान खान साहब के पास, फोन बंद करते हैं, इमरान खान साहब के पास चले जाते हैं। ये शो करता है कि कितनी इंडिपेंडेंस है उस पार्टी के अंदर और कितना राइट टू एक्सप्रेस है। ये फ्रंट फुट पे आगे खेल रहे हैं इमरान मुर्तजा साहब। शुक्रिया। मैं वो मुर्तजा साहब के बारे में थोड़ी सी मैंने सुनी, जो ये काम गिनवा रहे थे माशाल्लाह, अपने बड़े जबरदस्त जो हाईवे बना है वो भी बैठ गया है, जो कार्य हाईवे फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, प्लीज 40 करोड़ रुपए किलोमीटर का रोड बना था, अब वो एक ही बारिश में 15 दिन के बाद जो बारिश हुई उसमें बैठ गया। इनकरेक्ट, प्लीज गो एंड चेक द रोड, अपना कैमरा दीजिए। कौन से कराची के अंदर? एक मिनट यार, हौसला रखो, इमरान ने गलत बयान, कैमरा ले जाए, हौसला रखो ना यार, जहाँ पे 90% कमीशन खाई जाती है वहाँ पे क्या काम करोगे यार? इमरान भाई गलत, आई एम सॉरी इमरान भाई, यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस, खुदा का खौफ, दिस इज रॉन्ग। 12 अरब रुपए कराची, इमरान भाई ये देखो सॉलिड सॉलिड एविडेंस है तो वो बताए ना। मैं राणा साहब, भाग रही इमरान इस्माइल साहब, 12 अरब में से 12 रुपए लगा दो इमरान भाई, पहले अपना हल्का तय कर ले। आइए कैमरा लेके शारे फैसल चेक कीजिए, तारिक रोड चेक कीजिए, यूनिवर्सिटी रोड चेक कीजिए, गलत बात है, ये नहीं होगा, ये दिस इज द प्रॉब्लम विद पीटीआई। आप बारे में बोल चुके हैं, अब हौसला रखें मेरी बात। इमरान साहब, मैंने कोई पर्सनल बात नहीं की है, ये गलत है, पर्सनल बात जो कर रहा हूं मैं, तो बदतमीजी करते हैं आप लोग, बेहुदा बातें करते हैं, ये करना छोड़ दें। हमें पता है कौन किसका हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, कौन किसका जहाज चला रहे हैं, आपको कहा कि छिनाल में अपना इमरान इस्माइल साहब, छोड़ दीजिए ये चीजें, सबको पता है क्या हो रहा है, अपना घर खा गए 91 अरब, गलत बात आपने खा गए, आप लड़का ने गलत बात नहीं करा, आप गलत बात कर रहे हैं इमरान साहब, गलत बात कर रहे हैं, आप 91 अरब, आप लोग हकीकत से, आप लोग हकीकत से बहुत दूर हैं, आप लोगों को हकीकत का पता ही नहीं है भाई। एक मिनट बाबा, 91 अरब रुपए बजट ही नहीं है वहाँ का, हवा में बात करते हैं आप लोग। आपको इमरान साहब, इमरान साहब, यू हैव टू विड्रॉ योर स्टेटमेंट, एक इलाका गैर है, इमरान साहब यू हैव टू विड्रॉ योर स्टेटमेंट, सिर्फ कराची में बैठ गया याशी मान दी, गलत बात कर रहे हैं आपने, बिलावल हाउस के आगे का रोड बंद करना है, गलत बात कर रहे हैं आप, बंद करना है और क्या बात क्या कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं बैठ के। इमरान साहब आप डिफेंस इलेक्शन ले लीजिए, आपसे रोड बंद करना है, लोगों को तंग करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो कराची का हिस्सा है, कराची का जो हक है, वो आप लिखा दिखा के 12 अरब पिछले साल और 14 अरब इस साल, आप 112 अरब रुपए वो भी खा देंगे आप। ये मेरा नाम मुर्तजा तरीन नहीं है, मुर्तजा खटक नहीं है, निशान दिखाते दिखाते आज अंदर हो गए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ क्या दीजिए, कराची की आवाम देख रही है, क्या दिख रही है मुझे बताओ, कराची की आवाम देख रही है, इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट कर रहा है, कदमों में जाती है, आप लोग झूठ बोलते हैं, गलत थानों से हफ्ते हफ्ते तक लेते हो थानों से, यार कोई खुदा का गौरव करो, आप पेशावर की बात कर रहे हैं शायद, बात शुरू कर देते हो, आप पेशावर की बात कर रहे हैं, नौशेरा की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कराची कमाल बनाया करना है तो मैं इजाजत देखिए, नहीं जी आप मुझे बात करने दें, एक मिनट का आवाज दे सर, 20-20 साल इन्होंने हुकूमत की जिम्मे में कराची के ऊपर थूका नहीं पड़ेगा, क्या बात कर रहा हूँ कि कराची से कोई ताल्लुक नहीं है इनका कराची से। एक मिनट, ये कामरान साहब कुछ कह रहे जी, एक मिनट एक मिनट, इमरान इस्माइल साहब जरा कामरान साहब की बात सुनिए, जिस शहर के अंदर दोनों भाइयों को टैंकर बेच रहा हूँ पाकिस्तान में, शहर में आपका कर रहा हूँ, नहीं आपके तो आपने बड़े मिसाइल खड़े हो गए, बलोच साहब बहुत चीजें सामने लेके आ गए ना सर, एजुकेशन का अच्छे लोगों की जरूरत है, इमरान इस्माइल साहब भी बहुत अच्छे हैं, आयशा बुलाई इनके लिए कहती है करप्शन में इन्वॉल्व है, इनके वजीर आफरीदी साहब
करप्शन में इन्वॉल्व है, इनकी अपनी जो पार्टी के लोग हैं इनकी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हर बंदा कहता है कि जहांगीर तरीन जो है केपीए गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये तो बातें ओपनली की जा रही हैं। कोई पीपल्स पार्टी वाला आप नहीं कह रहे इनके लिए, इनके अपने घर के लोग कह रहे हैं कि करप्शन में इन्वॉल्व है। एहतसाब कमीशन के साथ क्या किया इन्होंने, जिसके जिसके साथ आप आपके और अमेरिका अच्छा एक मिनट जी, एक मिनट पूछ रहा है कि साहब कमीशन साहब क्या कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर पूरे पंजाब में या कोई अरबों का करके ऐसी बात कर रहा है। इमरान साहब एहतसाब कमीशन के साथ क्या किया आपने, इमरान साहब और मैं समझता हूं कि इमरान इस्माइल साहब शमूलियत इख्तियार कर ले। एक मिनट कामरान साहब, एक मिनट हौसला। अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 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 सवाल का एक एक जवाब हो जाए ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी बारी है, असर तो ऐसे हो रहा था, लेकिन ये वहाब साहब को जरा जज्बात ज्यादा है, इनको ठंडा पानी पिलाएं। सर पर्सनल बातें ना करें ना, बातें क्या ना करें, आप साबित करें का बजट का झूठ बोलते हैं आप लोग, गलत बयान ही करते हैं। अच्छा चले यार, अच्छा साहब झूठ ना बोले, इमरान साहब झूठ ना बोले प्लीज, ये झूठ आप बोल रहे हैं इमरान साहब। अच्छा एक मिनट इमरान साहब हौसला रखें, इमरान साहब आपके पार्टी के अपने लोग, आप हौसला रखें और आपको मैं ये चैलेंज करता हूँ, आपके 100 लोगों के लिए सुनानी है ना कृपिके से, मैं आपको 1.5 लाख बच्चों के लिए के साथ पेरेंट्स के जिन्होंने प्राइवेट स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला लिया, 1.5 लाख वो आर्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के वालिदैन कहते हैं आपके बारे में कि कितना इमरान खान ने काम किया। इमरान साहब केपी के एहतसाब कमीशन के साथ जो आप लोगों ने किया है, जो आयशा गुलाले आप लोगों के लिए कह रही हैं, जो खटक साहब की हुकूमत के लिए आफरीदी साहब कह रहे हैं, सबको पता है ये 2018 में पता चल जाएगा आप लोगों को। तुम्हारी जो हमने हाई कोर्ट के जज को हमने ऑथराइज कर दिया है, हमने बिल पास कर दिया है कि हाईकोर्ट के जज जिसको चाहे लगाए, जी 4 साल के बाद जब आपको पता है हुकूमत से जाने वाले हैं आप, तुम तो इंतजाम कमीशन ही खत्म कर रहे हो, तुम क्या हमें बता रहे हो कौन सा करप्शन का बिल पास कर रहे हो कि करप्शन करना भी जायज है, आप उस नैब के फेवर में तो सारा आप उस नैब के फेवर में इमरान साहब, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसको नेस्तो नाबूद हो चुकी है, बारे में बात करने की करप्शन के मौचे दो तुम लोग, अरे छोड़े इमरान साहब डिस्कवर्ड करप्शन, आप लोग खालिक है करप्शन के, 1970 में आपके लीडर के वालिद के साथ क्या हुआ था पता होना चाहिए आपको, आप लोगों ने जब हमारा लीडर आया था 1970 में आपके साथ क्या हुआ था, छोड़िए याद करें हम कहीं नहीं थे उस वक्त, हम एहतजाज कर रहे थे, क्या हुआ था, क्या हुआ था लीडर के वालिद के साथ, जी करप्शन में निकाला गया उनको, क्या हुआ था न्याजी साहब को, छोड़िए कुछ नहीं हुआ था न्याजी साहब को, तुम लोगों की खाली मनगढ़ंत बात चीजें, जी जी सारे फरिश्ते और सच्चे लोग पीटीआई में सारा सारी क्या कमा लिया था, बताओ क्या कमा लिया था, यहाँ पे जरदारी साहब की वेल्थ का पता है तुम्हें, आप साबित करें जी की वेल्थ क्या है, तुम्हें पता है ये जो अभी तुम्हारा ये घटिया आदमी पकड़ा गया है सजील मेमन, इसकी वेल्थ क्या है पता है तुम्हें, इमरान साहब पता है तुम्हें क्या अंदाज़, आप लोगों ने इस मुल्क को सिर्फ बदतमीजी और झूठ की सियासत की आदत डाली है, आप टू टॉक पे आ गए हैं, आप टू टॉक पे आ गए हैं इमरान साहब, ये तहजीब है आप लोगों की, ये तहजीब है, तहजीब की क्या बात है, आप पानी पानी के बाप के बाप अंबेडकर गद्दर में त्यागी साहब के साथ क्या हुआ था, तो सजील मेमन को मैं गाली दे रहा हूँ तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, इमरान साहब आप साबित कर रहे करप्शन की है, जो सजा होती है वो उन्होंने गवर्नमेंट की, हवा में बात ना करें प्लीज, हवा में बात ना करें, त्यागी साहब 70 में क्या होना था उनके साथ। अच्छा मैं जरा कामरान की तरफ चलूं जी, जरा कामरान बड़ी देर से बैठे हुए, उनसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कामरान साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं जी, बड़ी देर से खामोश बैठे हुए आप, मैं तो इन दोनों भाइयों को कह रहा हूं कि ये दोनों भाई आपस में लड़ना छोड़ें और दोनों मुत्तहिदा पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करें, मैंने तो अच्छाई की तरफ ऑफर की है कि कोई इसको अपने ऊपर जाती तौर पे हमला ना समझे, इसलिए ये दोनों अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे। अच्छा मेरे ख्याल में अच्छा जी कहिए। अच्छा दूसरी बात देखें, मैं ये कहूंगा कि ये इस तरह से बात करने से एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से लोग ये तासुर अच्छा नहीं लेंगे, चले उसको छोड़े, वो जो लेसन है वो ये खुद सीख लेंगे, खुद समझ आ जाएगी, आप उसको छोड़े, आप बताएं आपके आपके अंदर घर में क्या हो रहा है, आपकी एमक्यूएम में क्या हो रहा है,
आप पूछे मुझसे क्या पूछ। नहीं, ये जो बलोच साहब बार बार इल्जाम लगा रहे हैं उसमें तो वीडियोज लेके आ रहे हैं, ऑडियोज लेके आ रहे हैं, और वो खुल के सारे बयानात दे रहे हैं, जो अंदर के हालात है वो बता रहे हैं, किन लोगों के रابطے हैं एमक्यू के कायद के साथ, वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसी कोई बात थी थी या नहीं थी अभी बता दीजिए, सिर्फ एक एक वन लाइन में, वन लाइनर, वन लाइन में ही आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात थी तो जब वो पार्टी में मौजूद थे उस वक्त वो अगर करते तो राबता कमेटी उनकी बात पर जरूर कोई ना कोई असर ले। वो नहीं हुई, अब क्या, अब वो क्या गलत कह रहे हैं? अब तो उनके पास हर चीज का एविडेंस है। कामरान साहब सिर्फ एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा, मुख्तसर मैंने वाइंड अप करना है। मैं तो कुछ कहना, अच्छा मैं मुझे ये बता दीजिए, वो जो बातें कह रहे हैं, जो वीडियोस ऑडियोस और जो बातें शेयर कर रहे हैं बलोच साहब सुलमान साहब, उसमें अगर वो नहीं उस वक्त उन्होंने कहीं अब कह रहे हैं तो अब उसको आप कैसे लेते हैं, हाउ डू यू टेक इट? और जो जिस तरह से पैसा जा रहा है बाहर, पैसा अभी भी जा रहा है, जिस तरह अभी बंटवारा हुआ, सलमान मुजाहिद साहब की बुनियादी रुकनियत पार्टी में खारिज करती है, और जब वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं वो जब जाके इल्जाम लगाते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। अगर वो पार्टी में रहते हुए बात करते तो हम उस पर कोई ना कोई राय दे सकते थे, और जो बुनियादी या जैसे भी इल्जाम वो लगा रहे हैं हम उनकी सख्ती से तरदीद करते हैं, और हम इन तमाम बातों को उनकी दिमागी इस तरह से समझते हैं कि वो ऐसी बातें तब कर रहे हैं उनको पार्टी से निकाल दिया गया। ओके ठीक है, ठीक है, मेरा इसके ऊपर मौकफ है। ओके चलिए, ये आपका मौकफ है जी, आप मेरा सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के साथ जो सबसे बड़ी बदनसीबी है ना, जो 2013 में इस मुल्क के साथ तहरीक इंसाफ ने की है, वो उन्होंने झूठ की सियासत की है, बदतमीजी की सियासत की है, गालम गलोच की सियासत की है। हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं? देखिए अपना विजन दे, तू तड़ाक से बात करना, गालम गलोच करना, इस तरह की तोहमतें लगाना, किसी ने गलत काम किया, करप्शन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम लगाने से सिंध की आवाम आपको वोट नहीं देने वाली। सिंध की आवाम ने आपको रिजेक्ट किया है, अब सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाम आपको 2018 में रिजेक्ट करेगी। ओके कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देगी इंशाल्लाह। क्या देगी? एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देगी। चले, बड़ी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन अच्छी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव आपकी अप्रोच है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, कामरान साहब आपका, इमरान इस्माइल साहब आपका, और मुर्सा वहाब साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। आई डोंट हैव एनी वाइंडिंग रिमार्क्स ओवर हियर, बट आई लीव द रेस्ट टू यू, आप लोग डिसाइड करें व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। जी फिलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।